अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आमीन सुमामी। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम का चिकन। ये देख सकते हैं आप लोग, 2 किलो चिकन है ये। मैं इसको 3 पानी से धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये प्याज फ्राई करके रखी हूँ ब्राउन कलर। ये 3 से 4 डली प्याज तल के रखी हूँ। और ये 25 काजू है, इसका पेस्ट बना ली हूँ। अब ये तेल है 1 कटोरी, ये अदरक लहसुन है, ये दही है, ये टमाटर सॉस है इसमें मिलाने के लिए, 1 कोथिंबीर का कट्टा है, 1 से 2 नींबू है, थोड़ा सा करिया पक्का पत्ता है, 10-12 हरी मिर्ची है, पुदीने का कट्टा है, आप लोग देख सकते हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये चिकन मसाला है, ये काली मिर्ची है, ये नमक पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्ची है। आप लोगों को बनाने का तरीका बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं ये पूरे मसाले मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। आप लोग देख सकते हैं ये प्याज फ्राई करी भी डाल रही हूँ। ये झटपट बनता, बहुत मज़े का यम्मी यम्मी बनता, बहुत जल्दी बनता। आप लोग भी मेरी तरीके से एक बार बना के देखिए। ये दही है, ये टमाटर सॉस है, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, आप लोग भी बनाए तो अपने हिसाब से डालना। ये 2 चमचे है, ये मीठा तेल है, ये नींबू है ना, मैं अपने हाथ की मदद से ही डाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप भी एक बार बना के खाइए, मेरी तरीके से बना के देखिए। ये चिकन का कलर है, ये मैं चिकन का कलर भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालिए आप लोग भी, ताकि कलर आए तो अच्छा दिखता है। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कोथिंबीर, ये थोड़ा सा करिया पत्ता। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत झटपट बनता है, आप लोग भी एक बार बनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैं अच्छे से मसाला मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा लूँगी। इसको बीच बीच में चमचे से हिलाना चाहिए, ताकि दाग नहीं लगना। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मेरे अच्छे से मसाला भुने गया है। मैं पहले पानी इसलिए नहीं डालती हूँ, ताकि चिकन में पानी बहुत छूटता है। अब मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी अपने अंदाज से। अब मैं पानी डाली हूँ थोड़ा। अब थोड़ा सा अच्छा भुने के बाद 10 मिनट पका के मैं चिकन गलाने के लिए आपको बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छी तरीके से बन चुका है, ये दम का चिकन है। माशाल्लाह मेरा चिकन अच्छे से गल चुका है, और ये अच्छे तरीके से चटनी भी बन चुकी है। इसको दम का चिकन बोलते हैं। आप लोग भी एक बार बना के देखिए मेरे तरीके से। अब मैं थोड़ा सा दम पे हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा कोथिंबीर डालूँगी, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं क्या कलर आया है मेरे चिकन का, यम्मी यम्मी बना है। अब मेरा ये सालन पक चुका है, ये दम का चिकन है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को चक्के बतलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं ये नींबू डाल के खा रही हूँ, बहुत अच्छा बना है, आपको चक्के बतलाऊंगी। मेरे पकवान ऐसे रहते हैं, कोई भी इंसान देख के समझ जाएगा कि मेरा पकवान कितना मज़े का होता है। अब आपको चक्के बतलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरा चिकन कितना अच्छे से गला है। अच्छे चिकन की खास बात होती है पकने में ही बहुत मज़े का बन और जल्दी गल जाता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको चक्के बतलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यम्मी यम्मी बना, आप लोग देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।